आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सबसे यूनिक जानकारी और काफ़ी अनोखी जानकारी। ये है पेशाब के बारे में रोचक तथ्य। आप शायद ही इन तथ्यों को जानते होंगे। दोस्तों, हमारे शरीर को जो नहीं चाहिए उसे निकालने का एक बेहतर तरीका है पेशाब। नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं पेशाब के बारे में रोचक तथ्य। आइए शुरू करते हैं। हमारी मूत्र इकट्ठा करने वाली थैली केवल 2.5 कप यानी 400 से 600 ml पेशाब को स्टोर कर सकती है, जबकि हाथी की थैली 50 लीटर तक स्टोर कर सकती है। तो ये है इंसान और हाथी में फर्क। दूसरा है, यदि आप सपने में कहीं पेशाब कर रहे हैं तो इस बात के बहुत ज्यादा चांस हैं कि आप बिस्तर पर ही पेशाब कर दोगे। पेशाब में लगभग 3000 घटक होते हैं। इसमें 95% पानी होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% नमक होता है और हार्मोन्स और कुछ पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। पूरे जीवन काल में एक मनुष्य का किडनी लगभग 10 लाख गैलन पानी को पेशाब में बदल देती है। यह छोटी झील के बराबर है। यदि आप कभी भी बिना पानी के रेगिस्तान में खो जाते हैं तो आप अपना पेशाब मत पीना, क्योंकि इसमें इतना नमक होता है कि यह आपकी प्यास बुझाने की बजाय आपके शरीर में पानी की और कमी कर देगा। यही कारण है कि आर्मी में सैनिकों को किसी भी स्थिति में पेशाब पीने की सलाह नहीं दी जाती है। अगला फैक्ट है, बिल्ली का पेशाब अंधेरे में चमकता है क्योंकि इसमें फास्फोरस मौजूद होता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही चमकने लगता है। एक जवान आदमी एक साल में पेशाब के जरिए इतनी हाइड्रोजन पैदा कर देता है जो एक कार को 3000 किलोमीटर तक चलाने के लिए काफ़ी है। नासा ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो अंतरिक्ष यात्रियों के पेशाब को पानी योग्य बनाती है और यह पानी पी सकते हैं, लेकिन यह जो पानी होता है वो हमारे नलों के पानी से भी शुद्ध होता है। ये बात सच है कि पेशाब में बैक्टीरिया नहीं होते हैं, लेकिन तभी तक जब वो इंसान के ब्लैडर में रहता है। जैसे ही मूत्र मार्ग या हवा के संपर्क में आता है इसमें बैक्टीरिया समा जाते हैं। हमारे शरीर के अंदरूनी तापमान की वजह से हमारा पेशाब गर्म होता है और सर्दियों में तो इससे भाप भी निकलने लगती है। खड़े होकर पेशाब करने से पुरुषों का सेक्स टाइम कम हो जाता है, बल्कि जो लोग बैठकर पेशाब करते हैं उनका सेक्स टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि खड़े होकर पेशाब करने से मूत्राशय सही से नहीं खाली हो पाता और ऐसा बार बार होने से प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होने लगती है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप बैठकर ही पेशाब करें। गर्भवती महिला को बार बार पेशाब क्यों आता है? ऐसा इसलिए होता है कि भ्रूण जब बड़ा होता है यानी बच्चा जब पेट में बड़ा होता है तो ब्लैडर के साइज को कम कर देता है, जिससे उसमें कम पेशाब स्टोर होता है, जिसके कारण गर्भवती महिला को बार बार पेशाब लगता है। सांपों में पेशाब इकट्ठा करने वाली थैली नहीं होती है, इसलिए इनका जैसे ही पेशाब बनता है तुरंत निकल जाता है। प्राचीन रोम के लोग पेशाब का इस्तेमाल दांतों को साफ करने के लिए करते थे। फब्बारे के नीचे नहाते समय 45% लोग और स्विमिंग पूल में नहाते समय करीब 20% लोग पेशाब कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था पेशाब के बारे में रोचक जानकारियाँ। शायद ही आपको ये जानकारियाँ पता होगी और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको जानकर काफ़ी नॉलेज आपकी बढ़ी होगी और आप आज कुछ नया ज़रूर सीखे होंगे, क्योंकि ये हमारे डेली रोज़मर्रा की चीज़ दिन कोई इन चीज़ों को नहीं जानता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी के लिए एक लाइक बनता है। शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों को इसके बारे में पता चल सके, तथा कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसा लगा। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान की बातें को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्रोत है ज्ञानवर्धक जानकारियों का।